सेंटर जो काम कर रहा है उसमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक, वयस्क नागरिक तक, सबके हित का ख्याल करके अमेरिका में बैठकर हितेन भाई और अल्पा बेन भूता और इनके भाई भावेश बेन भूता, ये एक बहुत ही उम्दा मानवता का कार्य है कि जहां जहां जरूरत पड़ती है। एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, पिछले हफ्ते मैं सीहोर में था, सौराष्ट्र में, वहां बच्चों का मैट्रिमोनियल मीट था। मैंने खाली मैसेज दिया अमेरिका में कि भाई एक मीट मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, 200 लड़के लड़की आए हैं और उनके साथ हम एक उनकी शादी हो जाए इसके लिए प्रयास करते हैं। साहब 85,000 रुपीज का चेक उन्होंने खाली इतनी बात पर। जो काम हो रहा है मैं मुंबई में कर रहा हूँ, आज मुंबई में भी हमारे यहाँ मॉल में हम रेगुलर मिलते हैं, तो ऐसे ऐसे जो भी काम है मैं इतनी ही बात कहूंगा, कुछ और भी सांस लेने को मजबूर सा हो जाता हूं मैं जब इतने बड़े जहां में एक इंसान की खुशबू पाता हूं मैं। ये इंसानियत हितेन भाई, अल्का बहन, भावेश बहूता, साकार ट्रस्ट और योगल कपूर विकास ट्रस्ट, ये कपूर नाम रखा है, सिर्फ कपूर तक मर्यादित नहीं है, ये कपूर के बाहर कपूरेतर लोग हैं, उनकी सेवा का भी काम बहुत ही बड़े जरिए से हुआ। बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए सीजस इन्फोटेक व सकार विकास ट्रस्ट द्वारा लगातार मुंबई में ऐसे साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नॉर्थ मुंबई क्राइम साइबर पुलिस की भूमिका बेहद अहम है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि हजारों की संख्या में यहाँ गुजराती समाज से जुड़े लोग इस संस्थान का लाभ ले रहे हैं और लगातार संस्थान उन्हें इस तरह की जागरूकता देकर लाभान्वित कर रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका है हितेन भाई भूता और अल्पा बहन सहित भावेश भाई भूता की भूमिका बेहद अहम है, जो लगातार इस तरह का साइबर अपराध को जागरूक कर लोगों को अवगत कराने का काम करें, जिसमें सबसे प्रमुखता से नॉर्थ रीजन के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद है। दूसरी तरफ मुंबई बोरीवली क्राइम PI विजय मांडवे ने भी अपनी अलग अलग कहानियों के तहत लोगों को जागरूक किया कि किस तरह से मुंबई में साइबर अपराध बढ़ता है। देखिए खास हो सकता है तो ऐसा कभी आप मत मानिए, क्योंकि ये सारे उदाहरण हैं। हमारे पास ज्यादातर जो शिकायतें आती है सारी पड़ी हुए लोगों की आती है। क्यों आती है? तो इनमें साइबर, जब तक हम लोग साइबर क्राइम का शिकार नहीं होते, हमारे साथ कोई घटनाएं नहीं होती है, तब तक हम अवेयर नहीं होंगे, बराबर है। हम पिछले 2 साल से साइबर क्राइम ब्रांच में काम कर रहे हैं, हमारे साथ बैठे मैडम है कदम मैडम, जिन्होंने बहुत सारे क्राइम ओपन किए हैं, जो कि वेस्ट बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जाके साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ के लाए हैं हमारी टीम कदम मैडम के साथ। लेकिन एक क्राइम में कमी हुई है क्या? नहीं हुई है, क्राइम में बढ़ोतरी हो रही है। हटके जो जनरल क्राइम होता है उसके बारे में आई वुड लाइक टू शेयर वो विद यू। यहाँ पे देख रहा हूं मैं बहुत सारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं। क्राइम का ट्रेंड कैसा रहता है? व्हाट आर द मोडस ऑपरेंडी ऑफ क्रिमिनल्स? क्रिमिनल लोगों की मोडस ऑपरेंडी कैसी है? तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी माँ है, हमारे पिताजी है, ये रास्ते से चल रहे तो उनके हाथ में उंगली में अंगूठी रहती है, गले में सोने की चेन रहती है। तो सामने से एक अच्छा बंदा आता है और वो आपसे कहता है कि मैं CID ऑफिसर हूं करके बोलता है, और आगे पुलिस का नाकाबंदी चालू है, तो आप एक काम करो, अपनी अंगूठी, अपना चेन ये निकाल के अब अपने बैग में रख दो। अभी कोई पुलिस वाला आपको बोल रहा है तो आप मानोगे ना? अरे मानोगे ना? हाँ, क्योंकि अभी इधर इतना पुलिस वाले बोल रहे हैं और आप हाँ हाँ बोल रहे हैं, बोलोगे ना? तो ये भी आप मानोगे। तो सामने वाला बंदा क्या करता है, अपने पास का रुमाल निकालता है और आपके सामने दे देता है, और आप क्या करते हैं, अपना अंगूठी निकाल के उस रुमाल में रख देते हैं, अपना चेन निकाल के रख देते हैं। हमारी माँ रहती है, हमारे बापूजी रहते हैं, और
वो आपके आपके साथ में जो थैली रहती है वो थैली में वो रुमाल इकट्ठा करके रख देते हैं, जाओ घर पे। आप बोलते हैं आज भगवान मिला मुझे बचाया करके। आप घर में जाते हो अपने बेबी अपने बच्चों से या घर में जो भी उनसे बात करते बोलते कि आज चांगला पुलिस वाला भेटला आणि सांगितलं पुढे पोलीस तपासणी काढून घेतील, तो मैंने फिर वो निकाल के बैग में रखा है और घर में जाके वो रुमाल निकालता है तो अंदर कंकर रहते पत्थर रहते इचिंग हुई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे झांचे में ना पड़िए। तोले का मंगलसूत्र पहन के जाते, मेरी बीबी भी इतनी है। मेरी बीबी को लगता है मैं साथ में हूं तो उसको बचाऊंगा करके। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपके गले में जो चेन है मंगलसूत्र है वो मार के निकल जाते हैं। वो पांच तोले का छह तोले का गया चलेगा लिए फुटेज है कि वो खींचते है तो जो लेडी है वो चेन पकड़ती है और वो बाइक वाला उसे घिसट के लेके जा रहा है। तो हमें क्या करना है? चेन नहीं पहननी। नहीं 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 आप हम कभी नहीं बोलेंगे आपको आप मत पहनो। आप जो ये सोने के मंगलसूत्र पदर है ओढ़नी है वो रखिए। कवर कवर हाफ पैंट पहन के और टी शर्ट पहन के जा रहा था और मोबाइल में ऐसे ऐसे देख के जा रहा था। पीछे से बाइक वाले आए मोबाइल मारा लेके गए। देखो मतलब छोटी छोटी चीजें वो हमें हमारा नुकसान कर सकते हैं। तो हम मोबाइल पे जब बात कर रहे हैं तो हम रस्ते से ही दिशा से चल रहे हैं तो अपना बाएं बाजू रखो, मतलब सामने वाला एरिया आप ऐसा बोल के चल जा रहे हैं तो बाइक वाले को इजीली एक्सेस मिलेगा और वो आपका मार के ले जा सकते हैं। आप ऑटो रिक्शा में बैठ रहे हो ये जो घटना घटी है ना उसका हम लोग ने और उनका काम भी ऐसे है बोरीवली में क्राइम भी है में नंबर वन सर 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 कदम मैडम कदम मैडम हमारे ड्रेसिंग कदम मैडम है अभी अच्छा बहुत अच्छा काम किया है। सर मेरी जी के जो और हमारे समाज के एक उनको बीपी हुए कुछ भी हुए सर बोलते हैं सर वेरी गुड सर 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 जी अल्पाबेन भावेश भाई और हमारी फुकी हमारे साथ में किरण भाई पारेख कपिल भाई पूरी टीम की तरफ से हम भावेश भाई का सम्मान करते हैं। उसके लिए थी शायरी जो दिखते हैं चेहरे वो वैसे नहीं होते, जो आपको नजर आते हैं वो लोग वैसे नहीं होते। वर्चुअल मीडिया पे जब आप सब जो प्रोफाइल देखते हैं जो एक भी प्रोफाइल सच्चा नहीं होता उसके बारे में था। थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच सर पूरी नॉर्थ रीजन डॉक्टर हजार सर दवी कदम मैडम दवी मैडम प्रोफेसर अश्विन मेहता कपिल भाई किरण भाई शिंदे सर देसाई सर सचिन सावंत पूरी टीम को हमारी टीम की तरफ से थैंक यू वेरी मच। और हम स्पेशल आभारी है हितेन भाई और अल्पा बेन्ना जोरदार ताली पड़ो अमेरिका आवाज आवे थैंक यू।
एक मिनट।